हेलो फ्रेंड्स, सोनिया क्राफ्ट्स क्रिएटिविटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं सोनिया हाजिर हूँ आपके लिए मैक्रम क्राफ्ट सीरीज में एक और नई वीडियो लेकर। मैक्रम क्लासेस में आज मैं आपको ये राउंड शेप मिरर की बनाना सिखाऊंगी डिज़ाइन। ये सनबर्स्ट फ्लावर मिरर है जो देखने में बहुत ही सिंपल है, यूनिक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हमें जिस सामान की आवश्यकता होगी वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको तीन कलर की डोरी चाहिएगी। थोड़ी सी डोरी मैंने येलो कलर की ली है, स्टार्टर जो डोरी है, बेबी पिंक कलर की दो लच्छी और सी ग्रीन कलर की एक लच्छी, मोती, लाइटर, 2.5 इंच का छोटा रिंग, 8 इंच के दो रिंग, 10 इंच का शीशा है जिसे मैंने कागज से कवर किया हुआ है, और कैंची। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मिरर बनाना। आप 1.5 मीटर की 64 डोरी कट कर लीजिएगा। 64 डोरी को कट कर लिया है एक ही कलर की। अब हम मिरर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक डोरी लीजिएगा, इसके नीचे से सिरे पकड़िएगा दोनों, और इसका बीच करिएगा इस तरह से, और मिरर में आप सॉरी रिंग में आप कहीं भी लगा दीजिएगा इस तरह से। फिर दूसरी डोरी लीजिएगा इस तरह से, हाफ करके ऊपर से डालिएगा और इस तरह से निकाल लीजिएगा नीचे की तरफ से। सभी 64 डोरी को इसी तरह से डाल लेंगे, उसके बाद हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। डोरी को 8 इंच के रिंग पे कवर कर लिया है। अब मैं मिरर लूंगी, इसके ऊपर बीच में रखूंगी और दूसरा 8 इंच का रिंग लूंगी। उसके बाद आप कहीं से भी एक डोरी लीजिएगा और इस तरह से रिंग में लगा गांठ लगाइएगा, एक दो। सबसे पहले मैं एक गांठ यहां एक यहां चारों तरफ लगा लूंगी ताकि हमारा ये रिंग फिक्स हो जाए। अब आप सभी डोरियों को इसी तरह से रिंग में कवर कर लीजिएगा। डोरियों को कवर कर दिया है। अब आप येलो कलर की 6 मीटर की एक डोरी लीजिएगा और किसी भी पिंक कलर की डोरी में इस तरह से डालिएगा, दोनों साइड एक एक गांठ लगाइएगा, एक गांठ इस साइड, एक गांठ इस साइड। अब आप इन येलो कलर की डोरियों को सभी पिंक कलर की डोरियों में कवर करते जाएंगे आगे की ओर। दो गांठ पहली डोरी से लगाएंगे, दो गांठ हम दूसरी डोरी से लगाएंगे, आगे भी यही प्रोसीजर करेंगे, और राउंड शेप में हम इस तरह से चार चार गांठ में इसे कवर कर देंगे। इस तरह से हमारी चार चार की गांठ बनती जाएगी बॉर्डर। इसे मैंने बॉर्डर बना लिया है। अब जो लास्ट की एक डोरी पिंक वाली रहेगी हम इसमें कैसे करेंगे, यह कंप्लीट हो गया है। अब आप जो ये दो डोरी बची है इन्हें कट करके इस साइड पीछे की ओर चिपका दीजिएगा लाइटर से।
ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जिस तरह से मैंने ये एक पत्ती बनाई है इस तरह की, अब हम सभी में एक पत्ती बना लेंगे। एक पत्ती मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, इसी तरह से आप सभी को बनाएंगे। कहीं से भी आप चार डोरियाँ ले लीजिएगा। इन चार में से तीसरी डोरी लीजिएगा, इस तरह से गांठ बनाएंगे। डोरी लीजिएगा, नीचे से निकालिएगा इस तरह से। ये गांठ दो हो गई है, अब इस डोरी को इसमें डालिएगा इस तरह से। इसके बाद इस रानी कलर की आधे आधे इंच की दो डोरियां काटिएगा। अब आप एक एक मीटर की दो डोरी लीजिएगा, एक यहाँ लगेगी एक यहाँ लगेगी। इस पहली डोरी में इस तरह से डालेंगे। अब इधर से एक गांठ लगा लीजिएगा, एक गांठ इस साइड से, चार गांठ हो गई है। इस पिंक में भी इन्हें लगा लीजिएगा दो दो करके। अब आप दूसरी साइड भी एक मीटर की डोरी लीजिएगा और यहां लगा लीजिएगा। इधर भी इस तरह से एक एक गांठ। पिंक वाली में भी अब देखिए जो चार डोरी हमारी सी ग्रीन कलर की हैं, इनकी दो बीच की जो दो डोरी हैं इनमें हम मोती डाल लेंगे। अब इस तरह से गांठ लगा लीजिएगा, पहले इस डोरी से दो गांठ, अब मोती वाली एक डोरी लीजिएगा दो गांठ। दूसरी लाइन में भी इसका बॉर्डर बना लीजिएगा। अब इस साइड से भी दो गांठ पहली डोरी से और दो मोती वाली से, इसी तरह इधर से करेंगे बॉर्डर। इसी तरह इधर से बॉर्डर बनाएंगे। अगर आप सॉफ्ट वाइज मैक्रम क्राफ्ट्स की वीडियोस देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलिएगा, वहाँ मैंने अपनी सॉफ्ट वाइज और मैक्रम क्राफ्ट्स की वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। इतना करने के बाद ये वाली डोरी लीजिएगा और यहाँ इस तरह से गांठ लगा दीजिएगा, एक अब आप ये वाली डोरी लीजिएगा इस तरह से गांठ लगाइएगा। इतना करने के बाद जिस तरह से मैंने पत्ती बनाई थी इसी तरह से ही बना दी है। ये पत्ती मैंने आपको बता दी है कि इस तरह से बनेगी। आप अपने मिरर के चारों तरफ इस तरह से अब यहाँ बनाएंगे चार डोरी उठाकर, यही डिज़ाइन पत्तियाँ बना लीजिएगा चारों तरफ। उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसीजर बताऊंगी। ये हो गई हैं फ्रेंड्स पत्तियाँ। अब बीच में हमने जो चार डोरियाँ छूटेंगी आपकी इस तरह से करेंगे।
अब हम यहाँ रिंग लगा लेंगे इस तरह से। अब आप इसे यहाँ कट करके चिपका लीजिएगा चारों डोरियों को। टाइटली चिपकाइएगा ताकि ये गिरे ना। दो कलर की डोरी लेकर यहाँ भी लपेट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी पत्तियों को बना लिया है। अब हम इन दोनों पत्तियों को एक साथ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं, ये वाली पत्ती से ये वाली डोरी उठाइएगा और इस वाली पहली डोरी को बॉर्डर लाइन बना दीजिएगा। एक डोरी से दो गांठ, दोनों पिंक डोरी कीजिएगा। अब इधर से इस लाइन की पहली ग्रीन डोरी, दोनों पिंक, और ये इधर की जो ग्रीन डोरी है इसे भी कर लीजिएगा। अब आप इन्हें सभी डोरियों को थोड़ा थोड़ा कट करके पीछे की ओर चिपका दीजिएगा। इसी तरह से इधर भी कीजिएगा। और सभी पत्तियों को एक साथ जोड़ लीजिए। कटी हुई डोरियों को पीछे की ओर चिपकाकर हम सभी डोरियों को इसी तरह से जोड़ लेंगे, क्योंकि पीछे से बॉर्डर लाइन बनाकर सभी धागे बचे हुए कट करके पीछे की ओर लाइटर से चिपका दिया है। हमारा राउंड शेप का फ्लावर मिरर, सनबर्स्ट मिरर रेडी हो चुका है। कि वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर क्राफ्ट्स वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलिएगा, वहाँ अन्य सॉफ्टवेयर और मैक्रम क्राफ्ट्स वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।